Hey guys, welcome back again to our town, Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें. Number 1, फिल्म शैतान ऐसा कंप्लीट पैकेज है जो वीकेंड गुजारने के बाद भी दर्शकों को एंटरटेन करने में कामयाब हो रही है, जिसकी बदौलत फिल्म की कमाई चौथे दिन भी जारी है. अमूमन जहां सोमवार से फिल्मों का हाल इस साल काफी बुरा देखने को मिल रहा है, वहां इसने सोमवार को भी शानदार पकड़ रखी. हैरानी की बात तो यह है कि मंगलवार को भी फिल्म ने बिजनेस में सोमवार की तुलना में कुछ खास गिरावट नहीं दिखी और ये करीब 6.75 करोड़ तक पहुँच गई. कुल मिलाकर इस फिल्म ने करीब 68 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. Number 2, आयुष शर्मा की मच अवेटेड फिल्म रुसलान का टीजर रिलीज हो चुका है. फिल्म की पहली झलक में रॉक स्टार बने आयुष शर्मा का दमदार अवतार दिखाई दे रहा है. फिल्म के टीजर को काफी सराहना मिल रही है. हाल ही में सलमान खान ने भी अपने साले साहब का टीजर शेयर करते हुए रिएक्शन दिया है. उन्होंने आयुष शर्मा को खूब बधाई भी दी है. सलमान खान का ये रिएक्शन तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. Number 3, पुलकित सम्राट और एक्ट्रेस कृति खरबंदा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. 13 मार्च यानी आज से कपल के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुके हैं. आज कृति के हाथों में पुलकित के नाम की मेहंदी लगेगी. वहीं 14 मार्च को हल्दी सेरेमनी होने वाली है. हल्दी का कार्यक्रम दिन में होगा और फिर इसी शाम होने वाले है कॉकटेल नाइट यानी कि संगीत सेरेमनी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 मार्च को कपल हरियाणा के मानेसर में अरावली पहाड़ियों के बीच बसे ITC ग्रैंड भारत पैलेस में 7 फेरे लेंगे. Number 4, बड़े मियां छोटे मियां फिल्म से नया गाना रिलीज हो चुका है. अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, अलाया एफ और मानुषी छिल्लर पर ये गाना फिल्माया गया है. अक्षय कुमार की फिल्म के इस गाने का नाम वल्ला हबीबी है. वल्ला हबीबी के सिंगर्स विशाल ददलानी, विशाल मिश्रा और दीपाक्षी हैं. म्यूजिक कंपोजर विशाल मिश्रा ही है. गाने के लिरिक्स मशहूर लिरिसिस्ट इराद कामिल ने लिखे हैं. वहीं कोरियोग्राफर बॉस्को सीजर है. Number 5, एनिमल फिल्म को लेकर एक बार फिर से किरण राव ने कुछ ऐसा कह दिया है कि उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है. किरण और संदीप रेड्डी बांगा के बीच पहले भी इस फिल्म को लेकर काफी बयानबाजी हुई थी. अब किरण राव ने द लल्लन टॉप से बातचीत के दौरान एनिमल फिल्म को लेकर खुलकर बात की है और अपना बयान ही बदल डाला है. फिल्म मेकर ने कहा, मैंने अभी तक तो एनिमल नहीं देखी है क्योंकि ये फिल्म मेरे हिसाब की नहीं है, लेकिन ये फिल्म जरूर देखना चाहती हूँ क्योंकि दर्शक को ये फिल्म काफी पसंद आई है. Number 6, शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें किंग खान स्टेज से अपने बच्चों और पत्नी को मैसेज देते नजर आ रहे हैं. शाहरुख खान के इस 15 सेकंड के वायरल हो रहे वीडियो में उन्होंने हाथ में अवार्ड ले रखा है और दूसरे हाथ में माइक से वो बोलते हुए नजर आते हैं कि ये मैसेज मेरे बच्चों और पत्नी के लिए है. जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है, एंटरटेनमेंट जिंदा है. Number 7, आमिर खान ने एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अपनी अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर को लेकर नया अपडेट शेयर किया है. आमिर खान का कहना है कि ये फिल्म लोगों को काफी ज्यादा हंसाने वाली है. रिपोर्ट की माने तो आमिर खान डायरेक्टेड तारे जमीन पर फिल्म डिसलेक्सिया पर बेस्ड थी, तो वहीं सितारे जमीन पर की कहानी डाउन सिंड्रोम पर बेस्ड होने वाली है. आमिर खान ने इस फिल्म के लिए फिल्म डायरेक्टर RS प्रसन्ना से हाथ मिलाया है. Number 8, रवि किशन और रश्मि देसाई की फिल्म JNU चर्चा में आ गई है. सोशल मीडिया पर मूवी को लेकर लोग तरह तरह के पक्ष रख रहे हैं. दरअसल फिल्म का नाम और पोस्टर, जिस पर JNU की फुल फॉर्म जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी लिखी हुई है, पोस्टर पर भगवा रंग का नक्शा नजर आ रहा है, जिस पर सवाल कर लिखा हुआ है कि क्या एक यूनिवर्सिटी देश को तोड़ सकती है. ऐसे में लोगों ने इस पोस्टर पर तरह तरह से रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. यहां तक कि बॉलीवुड सेलेब्स भी इस पोस्टर पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. Number 9, तब्बू, करीना कपूर खान और कृति सेनन की फिल्म क्रू का नया गाना आउट हो चुका है. गाने में एक्ट्रेस धमाल मचाती नजर आ रही है, साथ ही म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है. घाघरा में जबरदस्त तिगड़ी अपनी एनर्जी दिखा रही है. शानदार बीट पर क्लब में वो डांस नंबर पर अपने दिलकश मूव्स दिखाते नजर आते हैं. विजुअल को देख गाने के धमाल का अंदाजा लगाया जा सकता है. म्यूजिक स्टार्स का जादू और ग्लैमर गाने को परफेक्ट बना रहा है. Number 10, सिद्धू मूसेवाला की मां 58 की उम्र में प्रेग्नेंट है. कहा जा रहा है कि चरण कौर अस्पताल में भर्ती हैं और दूसरी बार मां बन गई हैं. इन खबरों के तेजी पकड़ते ही सिद्धू के पिता ने पोस्ट किया जो अब लोगों का ध्यान खींच रहा है. बलकौर सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट में लिखा, हम सिद्धू के फैंस के बहुत आभारी हैं जो ये हमारे परिवार के लिए चिंतित हैं. हमारे परिवार को लेकर कई अटकलें आ रही हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इन अटकलों पर ध्यान ना दिया जाए. Number 11, वॉर 2 और पठान 2 में सलमान खान के कैमियो को लेकर नया अपडेट सामने आ गया है. मेकर्स ने सलमान खान के किरदार टाइगर को लेकर बड़ा फैसला किया है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने वॉर 2 और पठान 2 में सलमान खान का कैमियो ना कराने का फैसला लिया है. मेकर्स सलमान खान के साथ टाइगर को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेकर्स चाहते हैं कि स्टैंड अलोन किरदार के रूप में टाइगर की पावर बची रहे.
नंबर 12 साउथ फिल्म एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के लिंकअप की खबरें काफी दिनों से चर्चाओं में हैं। अब इस बीच फिल्म एक्ट्रेस की एक तस्वीर को देख फैंस ने एक बार फिर उनका नाम अर्जुन रेड्डी स्टार से जोड़ना शुरू कर दिया है। अदाकारा रश्मिका मंदाना की ये तस्वीर देख लोगों ने इस कैप को विजय देवरकोंडा की कैप से जोड़ना शुरू कर दिया है। रश्मिका मंदाना ने ये फोटो वुमेन्स डे के लिए शेयर की थी। नंबर 13 मशहूर इंटरनेशनल सिंगर एड शीरन इन दिनों मुंबई में है। मुंबई आने के बाद एड शीरन को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ पार्टी करते हुए देखा गया है। इसी बीच सिंगर अरमान मलिक ने एड शीरन के साथ एक वीडियो शेयर किया है जिसमें इंटरनेशनल सिंगर साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के गाने बुट्टा बम्मा का हुक स्टेप करते नजर आ रहे हैं। अरमान मलिक ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से एड शीरन के साथ ये वीडियो शेयर किया है। नंबर 14 विपुल अमृतलाल शाह, सुदीप हुसैन और अदर शर्मा की बस्तर द नक्सल स्टोरी 15 मार्च को रिलीज होने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। जी हां, अब जब इस फिल्म की रिलीज में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं तो दर्शक भी इसकी एडवांस बुकिंग शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जिसे ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने देश भर में एडवांस बुकिंग ओपन कर दी है जिसका एक पोस्ट भी शेयर किया गया है। नंबर 15 कुणाल खेमू ने अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। अब एक्टर मंडगांव एक्सप्रेस से डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए तैयार है। एक्टर ने बताया कि इस फिल्म में उनका कैमियो भी देखने को मिलने वाला है। इस बारे में बात करते हुए एक सोर्स ने कहा कि कुणाल का मंडगांव एक्सप्रेस में कैमियो होगा। फिल्म के साथ डायरेक्शन की शुरुआत करने वाले एक्टर की कॉमिक टाइमिंग बेहद ही अद्भुत है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। And yes, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।